गाइस तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो आज हम कुछ ऐसे चीज़ पर बात करेंगे जिस पर आप डिस्कस करना पहले से चाह रहे थे और डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था इस चीज़ पर। तो बहुत बच्चे को यह नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिली है कि काउंसलिंग कब होगी। तो अभी BCECE काउंसलिंग डेट के नोटिफिकेशन कोई जारी ही नहीं किया है। तो आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि काउंसलिंग से पहले अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट अपना बना लेते हैं तो काउंसलिंग करके आपका जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आएगा सीट का, वैसे ही जाकर आप एडमिशन करा सकते हैं। और एडमिशन समय कोई डॉक्यूमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, अभी ही पूरे डॉक्यूमेंट को बना कर रख लें क्योंकि बहुत सारी दिक्कत होती है। और आज का वीडियो में हम पूरे डॉक्यूमेंट को डिटेल में जानकारी देंगे, तो इसलिए वीडियो खास है। और फिर बात करते हैं BCECE के द्वारा जो काउंसलिंग डेट है उस पर भी डिस्कस थोड़ा सा करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट हो तो आप यह वीडियो देखें और नहीं भी हो तो भी देखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप पूरा रखे होंगे या हमें विश्वास नहीं है। तो डॉक्यूमेंट कौन नहीं रखे हैं यह बहुत ज़रूरी है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाना है इसका भी जानकारी हम जरूर देंगे। और फिर भी डाउट कोई बच जाता है तो आप कमेंट्स कीजिएगा व्हाट्सएप पे या मेरे टेलीग्राम पे, हम ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। और कैसा फॉर्मेट होता है डॉक्यूमेंट का उसको भी हम ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, अभी तक कोई डिस्कस नहीं हुई है ज़्यादा, अब हम बिना समय गंवाए हुए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। चलिए, तो सबसे पहले आपको BCECE में कौन कौन से कोर्स वाले व्यक्ति एग्ज़ाम दिए होंगे। PCM, आप PCM से दिए हैं कोई बात नहीं। PCB, अब PCB का मतलब तो आप जानते होंगे अगर दिए होंगे एग्ज़ाम, तो PCB से हैं या PCMB से हो या PCA से हो या CBA से हो या MBA से हो, जिससे भी हो अगर दिए हैं एग्ज़ाम तो यह डॉक्यूमेंट होना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले के लिए, उसके बाद बात करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले के लिए, तब एग्रीकल्चर वाले के लिए, तब केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर वाले और मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर वाले, इतने व्यक्ति दिए होंगे। और कटअप भी हमने बताया है, अगर वह सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कौन सा कॉलेज का कितना कटअप गया है और कैसे काउंसलिंग करना है। यह सारे वीडियो हम बना चुके हैं, यह सारे वीडियो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मैं पेन कॉपी ले लीजिए और नोट कर लीजिए और कितना कितना फाइल बनाकर कॉलेज में जाना है इसका भी डिस्कस कर देंगे, इसलिए वीडियो खास है। तो सबसे पहले देखिए 12th क्लास का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, उसका 3 जीरोक्स करा लीजिएगा। कितना जीरोक्स? 3 सेट। देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट है 3 सेट करा लीजिए, उसके बाद कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी, उतना ही में आपका एडमिशन हो जाएगा। 10 डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसमें से एक भी गायब रहेगा तो फिर वहाँ पर एडमिशन टाइम में दिक्कत हो जाएगी। और कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है कैसे बनेगा इस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, 12th का एडमिट कार्ड चाहिए, मार्कशीट चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। अब 12th का मार्कशीट कौन सा होता है, पासिंग सर्टिफिकेट कौन सा होता है, अभी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करके उसका फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर देखेंगे 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये चाहिए दो नंबर में। 3 नंबर में BCECE का जो एडमिट कार्ड था वह चाहिए, एडमिट कार्ड जहाँ एग्ज़ाम देने गए होंगे एडमिट कार्ड लेकर गए होंगे, एग्जामिनर का सिग्नेचर होगा वह वाला चाहिए ओरिजिनल, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और उसका 2 कॉपी आप करा के रख लीजिएगा, पूरे का 3 कॉपी, कितने कॉपी? 3 कॉपी प्लस में ओरिजिनल होना चाहिए, तब जाकर आप कहीं भी नहीं भटकेंगे। चलिए फिर बात करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और फिर डोमिनेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए 6 नंबर पर, 7 नंबर पर स्पेशली कैटेगरी सर्टिफिकेट। स्पेशली कौन सा होता है, जैसे मैं DQ वाला हो गया तो DQ वाले के लिए स्पेशली कैरेक्टर्स कास्ट सर्टिफिकेट होता है, यानी कि विकलांगता वाला, तो वह चाहिए। फिर बात करते हैं एक्स आर्मी सर्टिफिकेट, यानी कि जिसके पिता या कोई भी गार्जियंस आर्मी में होंगे तो उसका सर्टिफिकेट होता है एक रिलेशन वाला, तो वह चाहिए, अगर होंगे तो, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है उतनी। फिर बात करते हैं 6 कॉपी फोटोग्राफ, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगा हुआ, फॉर्म फिलअप करते समय फ़ोटो लगा हुआ, वह 6 चाहिए। फिर बात करते हैं जो किस साइज का होना चाहिए, तो पासपोर्ट साइज, उसके बाद में
बायोमेडिकल सर्टिफिकेट। अब बायोमेडिकल जो होता है वो कहाँ से हम प्राप्त करेंगे, तो 10 नंबर में बायोमेडिकल आता है जो आपको जहाँ फॉर्म भरे हैं या BCEC के वेबसाइट पर यह मिल जाएगा। इसको अपलोड किया जाता है कब, जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है तब अपलोड कर दिया जाता है। उसके बाद में BCEC के द्वारा पार्ट ए पार्ट बी वाला फॉर्म होता है, वो अभी फॉर्म चाहिए। उसके बाद में आपको कॉलेज में जाइएगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाइए, मेडिकल सर्टिफिकेट का उतना ज़रूरत भी नहीं होती है, मेडिकल का बनाइएगा। जब आप काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आएगा, काउंसलिंग कराने जाइएगा, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्मेट कॉलेज के द्वारा दी जाती है। अगर कॉलेज के द्वारा दी जाती है तो उसी पर बनाना होगा, और नहीं तो एक अलग से आप सरकारी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं लगेगा। और फॉर्मेट अगर मेडिकल सर्टिफिकेट का चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं, लेकिन कॉलेज जिस कॉलेज में मिलता है कॉलेज का कोई स्पेशली अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाता है, तो इसलिए मेडिकल ना करवाए तो ही अच्छा है, क्योंकि परेशानी फिर से उतना ही होने वाली है, इससे अच्छा मत कराएं। फिर आता है एक बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनता है, कोई बच्चे होते हैं कि इंटर कर लिया 18 में और बीच में गैप लिए, तो उनको गैपिंग सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है, उनको गैपिंग सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वह कॉलेज के द्वारा बनता है। उसके बाद में एक एग्रीमेंट बॉन्ड बनता है, एग्रीमेंट बॉन्ड उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो गैप किए रहते हैं, तो वह कोर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। और एक लास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, एंटी रैकिंग सर्टिफिकेट, तो वह भी कोर्ट के द्वारा बन जाता है। और जो स्टैम्प पेपर पर बनाई जाती है, अगर आप फॉर्मेट चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप पर लिखेंगे तो हम ज़रूर आपको देंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट्स करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी BCEC के अपडेट आता है तो तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। और नेक्स्ट बात यह भी, अब बात कर रहे हैं कि कब काउंसलिंग डेट आएगा, तो काउंसलिंग डेट पर डिस्कस करने चले तो सबसे पहले लाइक कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो काउंसलिंग डेट कब है, तो काउंसलिंग डेट पर हम डिस्कस करें तो सिंपली बताते हैं कि अभी चल रहा है BCECE LE का काउंसलिंग, तो उसमें देखें कि फर्स्ट काउंसलिंग हो गया था, कुछ कोई का अलॉटमेंट लेटर आकर भी कैंसिल हो गया, तो वो टेक्निकल एरर के कारण हुआ और इसे BCEC वाले ने मान लिया, जो BCEC जो वेबसाइट है वो अपनी गलती स्वीकार की और फिर से काउंसलिंग डेट निकाला, सब कुछ किया और उस पर काउंसलिंग आप कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति देख रहे होंगे वो काउंसलिंग किए होंगे। और फिर बात करते हैं कि अब इस काउंसलिंग के, तो उसके बाद में अभी पॉलिटेक्निक का भी काउंसलिंग चल रहा है, तो पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही LE वाले के काउंसलिंग समाप्त होता है तो तुरंत PCM वाले के लिए काउंसलिंग डेट निकलेगा, उसी समय एग्रीकल्चर वाले के लिए भी काउंसलिंग डेट निकलेगा, और ठीक उसी समय PCB वाले का भी काउंसलिंग निकलेगा। तो यह सारे कब निकल सकता है, तो हमारे अंदाज से लगता है इस मंथ वाले, यानी कि जैसे कि BCEC का रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार 20 बाद निकलेगा, 20 से पहले काउंसलिंग डेट का कोई अपडेट नहीं आएगा, या 100% बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस कौन सी पर आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम डेली टेक्नोलॉजी में कितना पैसा लगता है, कौन सा कोर्स कैसे लगता है, इस पर डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। डेली टेक्नोलॉजी संजय गांधी इंस्टीट्यूट में 19,000 लगता है, तो 19,000 कैसे लगता है, 30,000 लगता है तो 30,000 कितना पैसा लगता है, कैसे लगता है, इस पर पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि 5 मिनट का वीडियो टोटल फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी कोई भी कॉलेज का आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट बार अगर आपके पास कोई भी कॉलेज का फी स्ट्रक्चर हो, यानी कि फी का जो आपके बड़े भाई दिया हो उसमें एडमिशन हो, तो आप हमसे हमारे पर रसीद का फ़ोटो भेज सकते हैं।